आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा, पूजा विधि और कन्या पूजन की विधि लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, माँ गौरी मैया की जय हो। दोस्तों, नवरात्रि के आठवें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, तो कई कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो अब सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। अष्टमी के दिन माँ अम्बे की महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाए, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे से वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाए, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चारण करें, दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल किसमें सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाए, प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इसी दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है, वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में कन्याओं को नौ को पूड़ी और हलवे का प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। महागौरी के मंत्र श्वेत वर्षे समारूढ़ा सितंबर धरा शुद्धि महागौरी शुभ धगान्मय महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संहिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब है महागौरी की व्रत कथा। दुर्गाष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई, तो उनको खोजने हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माता पार्वती जी को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दे रहे थे। उनके वस्त्र और आभूषण प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को घोर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणा में स्नेह में शांत और मदन दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, स्वर मंगल मांगले शिवे सर्वदे सदी के सने अम्बिके गौरी नारायणी नमोतस्ते। एक बार ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा, जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई। परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी, तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो ये थी दोस्तों, इस दिन
अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन सुबह महागौरी की पूजा करने के बाद घर पर 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार देकर उनके पेड़ चूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वही बंगाली परिवारों में दुर्गाष्टमी के दिन लोग सुबह सवेरे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर पुष्पांजलि के लिए पंडाल जाते हैं और माँ दुर्गा पर पुष्प वर्षा करते हैं। महाआसन और षोडशोपचार पूजा के बाद दोपहर में लोग अष्टमी भोग के लिए इकट्ठा होते हैं। पूजा पंडालों में इस दिन अस्त्र पूजा और संधि पूजा भी की जाती है। शाम के समय महाआरती होती है और कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी महाअष्टमी की पूजा व्रत विधि। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की माँ गौरी मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, महागौरी मैया जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिसके कोई संतान नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते थे और बांझ बांझ के कोई उसका मुंह देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने भी दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट निकालकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से होकर निकली तो सामने 2 गाय लड़ रही थी। तो उनसे बचने के लिए वह पासी के गणेश जी भगवान के मंदिर में घुस गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसके सिर की मटकी का पानी गणेश जी महाराज के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश जी भगवान हंसे तो वह बोली कि हे गणेश जी महाराज, आप क्यों हंस रहे हो? गणेश जी भगवान बोले, तुमने तो हमें मूर्ख ही जाना है। सबके सामने तो घूंघट रखती हो, पर मेरे सामने घूंघट क्यों हटा दिया? तो वह जोर जोर से रोने लगी कि हे गणेश जी महाराज, सब तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्न हरता हो, मेरे भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान का सुख दो। गणेश जी भगवान ने कहा कि यह फूल ले जाकर इसे परिंडे में रख देना। परिंडा उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखते हैं। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, न तो मैं मंदिर जाती और न ये दिन आज मुझे देखने को मिलता। बहू सोचती, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा। अब तुम जाकर माँ के पैर लगना। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही कहा कि ना तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है। तब सारी बात बेटे को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश हो जाते हैं और गणेश जी भगवान का जय जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस महिला की सुनी, उसकी सुनी गोद भरी, वैसे सबकी गोद भरना, सबको पुत्र देना, अमर सुहाग देना और उनके घर अन धन से भर देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।